हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो किसान साथियों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FMC कंपनी के फेमस कीटनाशक मार्शल इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो किसान साथियों, आप लोग मार्शल इंसेक्टिसाइड के बारे में आज के इस वाले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि FMC कंपनी का मार्शल इंसेक्टिसाइड क्या है। मार्शल कीटनाशक एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी कि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि बहुत सारे कीटों को यह एक साथ कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जो कीट पर अपने दोहरे संपर्क यानी कि यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और पेट में जहर की क्रिया के माध्यम से विभिन्न चूसने और चबाने वाले कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। तो कीट जब भी इसको भोजन करता है तो इंसेक्टिसाइड मौजूद होने की वजह से जहर उनके पेट में चला जाता है, जिससे कीटों की मौत हो जाती है। मार्शल कीटनाशक सालों से किसानों के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड है और कपास, धान और सब्जियों में विभिन्न चबाने और चूसने वाले कीटों पर व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण के लिए जाना जाता है। बात करें किसान साथियों इसके टेक्निकल कंटेंट के बारे में, तो इसमें कार्बोसल्फान 25% इसी फॉर्म में मौजूद होता है। इसी बोले तो यह गाढ़े ऑयल के रूप में मौजूद होता है। बात कर लेते हैं किसान साथियों, इसकी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से किसान लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर पहला विशेषता देख सकते हैं, जैसे कि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो विभिन्न फसलों में चबाने और चूसने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण देता है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा जो विशेषता है, मार्शल कीटनाशक अपने दोहरे संपर्क और कीटों पर पेट की जहरीली क्रिया के माध्यम से प्रभावी कीट नियंत्रण प्रदान करता है, यानी कि कीट जब भी पत्तियों का भोजन करते हैं तो उनके पेट में जहर चला जाता है, यदि स्प्रे कर चुके हैं आप लोग तो। तीसरा जो विशेषता आप लोग देख सकते हैं, मार्शल कीटनाशक कीट प्रतिरोधक प्रबंधन के लिए स्प्रे कार्यक्रम में घूर्णी भागीदार के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में कार्य करता है। किसान साथियों, ये रही इसकी कुछ विशेषताएं जिनकी वजह से किसानों के लिए यह काफ़ी पसंदीदा कीटनाशक हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फसल स्प्रे और कीट नियंत्रण के बारे में। किसान साथियों, इसका स्प्रे आप लोग धान में ग्रीन लीफ होपर, व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर, ब्राउन प्लांट होपर, गाल मेज, स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। कपास में इसका उपयोग एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बैगन में इसका उपयोग शूट बोरर और फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मिर्च में यह व्हाइट एफिड्स को कंट्रोल करता है और खीरा में यह एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है और जीरा में भी यह बाकी अन्य रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल कर लेता है। किसान साथियों, इन्हीं फसलों और इन्हीं कीटों के ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। बाद बाकी आप लोग अन्य फसलों के लिए अपने इच्छा अनुसार इसका प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। डोज की बात करें किसान साथियों, तो आप लोगों को 500 ml का स्प्रे करना है। एक एकड़ में 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करिएगा। 200 लीटर पानी पर्याप्त होता है एक एकड़ में स्प्रे करने के लिए। और यदि 15 लीटर के लिए आप लोगों को बताऊं तो आप लोग मिनिमम 40 ml लीजिएगा और मैक्सिमम 45 ml डोज लीजिएगा 15 लीटर पानी के लिए। किसान साथियों, बात करें इसके रेसिडुअल एक्टिविटी और रैन फास्टनेस के बारे में, तो इसका रेसिडुअल एक्टिविटी लगभग 10 दिनों तक का होता है, यानी कि 10 दिनों तक आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इस वाले इंसेक्टिसाइड के द्वारा। 10 दिनों तक अच्छा असर रहता है पौधों के ऊपर में। और इसके रैन फास्टनेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को 3 से लेकर 4 घंटे तक का मिलता है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए। बरसात के दिनों में बारिश होते रहता है, तो आप लोग सिलिकॉन बेस चिपकों का इस्तेमाल करिएगा, साथ में मिलाकर स्प्रे करिएगा, तो 1-2 घंटे के बाद बारिश हो भी जाएगा तो भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, इसका स्प्रे मैं अपने खेती में कर चुका हूँ कुछ साल पहले, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला था। यदि आप लोग भी इसका स्प्रे कर चुके हैं तो आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि बाकी किसानों को पता चले कि कैसा रिजल्ट मिलता है इसका। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।